आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। उस दिन मैंने आपको थर्ड और फोर्थ करवाया था क्योंकि वो इजी थे। आज हमने करना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसमें देखें, पहला है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। होल पावर क्या है? 1/3। 27 को मैंने 3 की पावर 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो 27 को मैंने लिख लिया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। आगे हमने 60 की करनी है, तो 60 की इधर मैं कर देती हूँ 2 3s are 6, 0 2 1s are 2, 10 2 5s are 10 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए? 2 की पावर 2 यानी कि 2 दो दफा आ रहा था ना, तो आगे क्या लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई 5। ओवर में अब हमने किसकी करनी है? 180 की। इधर मैं 180 की करती हूँ 2 9s are 18, 0 2 4s are 8, 10 2 5s are 10 3 1s are 3, 15 3 5s are 15 फिर ये 3 5s are 15 5 1s are 5 इधर देखें 2 की पावर 2 बनेगी, 3 की पावर भी 2 और आगे क्या है 5। क्या बनेगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और होल पावर मेरी क्या थी? 1/2। 180 की मैंने आपको फैक्टराइजेशन करके दी है। आगे है 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 क्योंकि 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 आ क्या होता है 4, होल पावर है -1/3 मल्टीप्लाई 9 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 होल पावर 1/4। अब देखें ये 2 की पावर 1/3 इधर 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 तो ये 3 से कैंसल, तो क्या रह गया 3। अब देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी होल पावर क्या है? 1/2। तो जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी एक होल पावर है तो हम हर डिजिट को अलग अलग पावर दे सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 2 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। नीचे देखें, नीचे भी ये सेम हम करेंगे। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी होल पावर क्या है? 1/2। तो हम अलग अलग पावर देंगे 2 की पावर 2 1/2 3 की पावर 2 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। इधर देखें पावर पावर के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई, क्या इनकी कैंसिलेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। 2 1s are 2 - 2/3 मल्टीप्लाई, इनकी कैंसिलेशन हो सकती है 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो 3 की पावर 1/2। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखें ये कैंसिल होगी एक और क्या कैंसिल होगा? एक ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और कोई चीज कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 की पावर 2 इससे कैंसिल हो गई तो क्या रह गया था 2। आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। ओवर में देखें क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2
मल्टीप्लाई टू की पावर माइनस टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई थ्री की पावर वन ओवर टू। अब देखें ऊपर भी सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे भी सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कैंसिल हो सकते हैं। क्या अगर ये प्लस माइनस हो रहे थे तो कैंसिल नहीं हो सकते थे? आप ऊपर भी सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो थ्री थ्री के साथ कैंसिल, ये टू इस टू के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। तो ऊपर क्या रह गया? टू की पावर वन ओवर थ्री और नीचे टू की पावर माइनस टू ओवर थ्री। अब देखें ऊपर भी टू है नीचे भी टू है, लेकिन ऊपर टू की पावर वन ओवर थ्री है, नीचे टू की पावर माइनस टू ओवर थ्री है। अगर ओवर में माइनस हो उसको हम ऊपर ले जाए तो वो क्या हो जाती है? पावर प्लस हो जाती है। तो ये वन ओवर थ्री क्या हो जाएगा? प्लस टू ओवर थ्री। अब इनको प्लस करें, वन प्लस टू, वन प्लस टू थ्री बाय थ्री, तो थ्री थ्री से कैंसिल, टू की पावर वन होता है टू। सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट टू सिक्सटीन की पावर टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव की पावर वन ओवर टू डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो फोर की पावर माइनस वन ओवर टू। तो 216 को मैं लिख सकती हूँ 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का क्या मतलब है? कि 6 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 6 36, 36 को आप दोबारा 6 के साथ करेंगे तो 216 ही आएगा। इसकी पावर क्या है? 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 होल पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय। अब पॉइंट जीरो फोर है, पॉइंट को मैं खत्म करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? जीरो फोर। पॉइंट को जब हम रिमूव करते हैं तो कैसे करते हैं? पॉइंट की जगह पे क्या आता है? वन, और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरो लगाते हैं। तो आगे दो डिजिट्स हैं तो कितने जीरो आ जाएंगे? दो जीरो। और इसकी पावर क्या है? माइनस वन ओवर टू। और होल हमारा क्या था? स्क्वायर रूट। अब देखिए ये थ्री इस थ्री के साथ कैंसर, ये टू इस टू के साथ कैंसर। ऊपर सिक्स की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव ओवर, अब देखें जीरो फोर ओवर हंड्रेड। तो इस जो लेफ्ट साइड पर अब देखें फोर ओवर हंड्रेड है, तो टू इसको हम करेंगे फोर वन आर फोर, फोर टू आर एट, और इधर टू जाएगा ट्वेंटी, फोर फाइव आर ट्वेंटी। तो क्या आ गया? वन ओवर ट्वेंटी फाइव, और इसकी होल पावर क्या है? माइनस वन ओवर टू। और ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। इधर देखिए सिक्स की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव ओवर, अब ये वन ओवर ट्वेंटी फाइव की पावर माइनस वन ओवर टू है। अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूं 25 को ऊपर और 1 को नीचे, तो फिर ये जो माइनस वाली पावर है ये प्लस में चली जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 25 ओवर 1, और ये जो माइनस में पावर है ये किस में चली जाएगी? प्लस में। तो जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताई थी 1 ओवर 2। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या थी? 1 ओवर 2, वो मैंने लिख ली। और इधर ये जो मैंने स्टेप किया है इसको देखें, वन ओवर ट्वेंटी फाइव की पावर माइनस वन ओवर टू था, माइनस वन ओवर टू को प्लस वन ओवर टू करने के लिए मैंने की जगह चेंज की। तो ये रूल है, जब इस तरह आ जाए और पावर माइनस में हो तो अगर हम इनकी जगह चेंज करते हैं तो माइनस वाली पावर किस में चली जाती है? प्लस में चली जाती है। अब देखिए सिक्स की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव ओवर, जो डिनोमिनेटर में वन होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 25 की पावर क्या आ गई? वन ओवर टू। होल पावर क्या है? वन ओवर टू।
अब ये जो होल पावर है इन सब की पावर है, तो हम इन सब को अलग अलग पावर देने लगे हैं। वन ओवर टू मल्टीप्लाई फाइव की पावर वन ओवर टू डिवाइडेड बाय 25 को लिख सकती हूँ फाइव की पावर टू, और इसकी पावर क्या है वन ओवर टू। एक ये वन ओवर टू है और एक ये वन ओवर टू है, ये होल पावर है। इसकी होल पावर क्या आ जाएगी वन ओवर टू ये वाली। अब देखिए ये और ये कैंसल, इधर कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, तो सिक्स की पावर वन मल्टीप्लाई फाइव की पावर वन ओवर टू डिवाइडेड बाय ये कैंसल, तो फाइव की पावर वन ओवर टू ये वाली रहेगी। ये तो कैंसिल होगी, ये वाली रहेगी। अब ये और ये कैंसल, तो आंसर हमारा क्या आ गया सिक्स।